दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन तो स्मार्ट 4G हो गया, लेकिन कहीं छोड़ गया उन दुकानदारों को जिन्हें सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, टेंशन ना लें, आज हम आपके दोस्त मोहम्मद नौशाद आलम आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन का आत्मा है, जिसके बिना मोबाइल डेड है। दोस्तों, आज हम आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर की जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, मोबाइल सॉफ्टवेयर की जानकारी लेने से पहले आपके या उस वर्क करने से पहले आपके पास एक 4G इंटरनेट के साथ एक अच्छा सा एक लैपटॉप होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो मोबाइल फ़ोन कई IC से बने होते हैं, लेकिन जो मार्केट में जो ज़्यादातर IC चलते हैं, इनमें 4 IC होते हैं, कुलकॉम, MTK, SPD और कुल्डसन जो है, ये 4 IC है। दोस्तों, आज मैं आपको MTK IC चैप्टर वाइज मैं समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके बाद भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें दूसरे IC के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो आज मैं आपके सामने MTK IC के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कैसे हम गूगल से इसे डाउनलोड करते हैं और किस तरह मोबाइल के अंदर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं। दोस्तों, ये रहा मैक्रोमैक्स D321। जब हम गूगल पर जाएंगे और मैक्रोमैक्स D321 लिखेंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे फ्लैश फाइल। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ एक स्टॉक रूम खुलेगा। देखिए, मैक्रोमैक्स D321 का ये स्टॉक रूम है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद इसमें कई तरह के फाइल होते हैं। दोस्तों, इसमें कई वर्जन होते हैं। पहला हुआ फर्स्ट 600 कुछ MB का है, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाला को हम मान के चले, ये जो हुआ जिसे हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसको क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड पे जाना है। ये देखिए दोस्तों, इसे हमें डाउनलोड करना है। ये हुआ डाउनलोड, ये देखिए, इसे हम डाउनलोड पर लगा दिए। ये 611 MB का फाइल है, इसे हम डाउनलोड कर रहे हैं, यस करना है। ये देखिए दोस्तों, ये कोई कला नहीं है, ये आपके दिमाग का वश खेल है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों ये देखिए, डाउनलोड हो रहा है। ये रहा आपका मैक्रोमैक्स D321। हमारा इंटरनेट स्लो होने के कारण हम आपको बता दिए हैं, और इसका फाइल मैं एक्चुअली पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका हूं, लेकिन हम आपको बताने के लिए इसे डाउनलोड किया हूं कि ऐसे आप गूगल पर सर्च करें। दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ इसको जो है डाउनलोड करने के बाद आपका ये फाइल इस तरह का आ जाएगा। इस फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करिएगा। देखिए, क्योंकि हमारा पहले से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसलिए बोल रहा है यस टू ऑल हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोबारा से हो रहा है, ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसे होने दीजिए पूरा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है फाइल। इसे हम खोलें। इसको खोलने के बाद इसमें जो है, ये हमारा ड्राइवर हो गया। बट अगर आपका नया लैपटॉप है, इसमें अगर ऑलरेडी पहले से MTK ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो दोस्तों आप जो है इस ड्राइवर को खोलिएगा और ये इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। इसको इंस्टॉल कीजिएगा, देखिए इस तरह इंस्टॉल करना है। दो बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ 1.1 आ रहा है, ये देखिए, ये यस मांग रहा है। ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ज़्यादा अगर 2-3 ड्राइवर आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो इससे आपका PC हैंग कर जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए हम इसको काट देते हैं, ठीक है। और ये आपका इंस्टॉल होने के बाद आपको फ्लैश टूल, और आपको मान के चलिए कि हमें आईसी की जानकारी लेना है, ये फेयरवर हुआ, ये फेयरवर जो हुआ ये स्कटर फाइल हुआ, देखिए इसमें आईसी का नंबर लिखा होगा, आईसी नंबर हुआ MTK 6572 एंड्रॉयड स्कटर, ये आपका आईसी नंबर हुआ MTK हुआ, MT का मतलब MTK हुआ, 6572 हुआ, ये MTK आईसी से बना हुआ फोन है, ठीक है। और ये जो है आपको फेयरवर हुआ, ये फाइल हुआ, मोबाइल का फाइल हुआ, इसमें IMEI राइट टूल भी मिल जाएगा, ये देखिए IMEI राइट टूल भी है, IMEI आप जब का करप्ट हो जाए तो आप सेम मोबाइल का IMEI चढ़ा सकते हैं, ये देखिए ये फ्लैश टूल हुआ, ये फ्लैश टूल हुआ, और ये फ्लैश टूल को हम ओपन कर रहे हैं। फ्लैश टूल को ओपन करने के बाद फ्लैश टूल को यहाँ से खोलना है, और देखिए ये आपका फ्लैश टूल खुल गया, ये फ्लैश टूल खुलने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये स्कटर होगा, ये स्कटर पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें जो है एक आइकन बन के आएगा, और ये कर रहा है कि फाइल डालने के लिए, तो मैं फाइल अपना जो है डेस्कटॉप पर रखे हुए थे, तो डेस्कटॉप पर खोजना है हमें मैक्रोमैक्स D321, ये रहा मैक्रोमैक्स D321 को खोलने के बाद हमें फेयरवर में जाना है, फेयरवर में जाना है, MTK 6572 एंड्रॉयड स्कटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा जो भी फाइल है वो पूरा फाइल आ गया दोस्तों, अब हमें फ्लैश करना है, इसके लिए जो है देखा नहीं मोबाइल साला स्विच ऑफ हो जाए, स्कटर को डाउनलोड करना है, उसके बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो इससे जो है आपका हैंग लोगो सॉफ्टवेयर ज्यादातर मैक्रोमैक्स जो है एंड्रॉयड लोगो पर ही अटका रहता है D321 दोस्तों, अपग्रेड करे या फिर डाउनलोड ओनली करे, लेकिन फॉर्मेट प्लस डाउनलोड ना करे, फॉर्मेट डाउनलोड करने से आपका मोबाइल तो ऑन हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, लेकिन इसका IMEI नंबर करप्ट कर जाएगा, तो इसके लिए फिर आपको आगे प्रोसेस में हम बताएंगे कि IMEI नंबर कैसे करप्ट होने के बावजूद भी हम डाल सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से कमेंट करें, हम इससे और भी नया वीडियो और दूसरे IC कॉलकॉम हो SPD हो इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।